एक ट्वीट आ रहा है माननीय वैश्विक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश संदीप सिंह जी का, और उन्होंने ट्वीट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के अब ये बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश व देश विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात को उन्होंने ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। अब वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मुखारविंद से कहा है कि उत्तर प्रदेश व देश विश्व गुरु बनेगा शिक्षा के क्षेत्र में। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सपना है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और शिक्षित उत्तर प्रदेश बनाने का, विश्व गुरु बनाने का। आइए देखते हैं क्या कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने एक इस वीडियो में। पहला है शिक्षा का सेक्टर, बेसिक माध्यमिक उच्च वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, ये सब एक साथ मिलकर के इस दिशा में समग्र शिक्षा, और सौभाग्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद आज आपने देखा होगा इसके बारे में एक बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश यानी देश विश्व गुरु के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय आज नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रकार का एक अवसर हमें प्रदान करती है। साथ ही इस मुहिम में हम सभी साथ हैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ, और हम भी चाहते हैं प्रदेश और देश हमारा विश्व गुरु बने। साथ ही इन्हीं सब बातों को लेकर सरकार तेजी से सक्रियता दिखा रही है, और यहाँ पर माननीय वैश्विक शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट किया है, आज विधानसभा कार्यालय में वैश्विक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में बैठक हुई है, यानी कि बड़ी बैठक हुई है वैश्विक शिक्षा मंत्री जी की शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से, और क्या उन्होंने इस बारे में कहा होगा हम कह सकते हैं। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे प्रदेश को देश को, और विश्व गुरु बनाने के लिए अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को नियमित करने की चर्चा अवश्य की जा सकती है और की ही होगी, हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम जब देश की सोचते हैं और उसको नंबर वन बनाने की सोचते हैं तो हमें सारे किले शिकवे भुलाकर सभी को साथ लेकर काम करना होता है, सभी की महत्व को समझना होता है, और सभी के योगदान को साथ लेकर हमें देश को आगे बढ़ाना होता है। इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक की, और माननीय वैश्विक शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में वैश्विक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को लेकर बैठक की है। आइए जानते हैं इस खास बैठक के कुछ अंश। मुख्य सचिव ने किया राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद साथ मैराथन बैठक की है, एक घंटे तक चली बैठक में कर्मचारियों के पक्ष में कई निर्णय लिए गए हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की निकलेगी राह, सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत संविदा कर्मियों को किया जाएगा नियमित, एक बड़ा और सकारात्मक फैसला। पुरानी पेंशन से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा निर्गत किए गए आदेश उत्तर प्रदेश में भी होंगे लागू, एक खुशखबरी है। पुरानी पेंशन वालों के लिए, पुरानी पेंशन प्राप्त करने वाले जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए। साथ ही कहा है 4800 ग्रेड वेतन पाने वाले कर्मी होंगे राज्य पत्रित अधिकारी घोषित किए जाए। संविदा कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग का आदेश शीघ्र होगा जारी, ये फैसला लिया गया है इस खास बैठक में। तो साथियों, इस उम्मीद के साथ हम ये भरोसा कर सकते हैं कि जल्द अन्वेषक और शिक्षा मित्रों के भी दिन भोखरेंगे, ऐसा विचार ऐसा ख्याल अब सभी के मनों में चलने लगा है, क्योंकि लगातार सदन में इसी बात को लेकर प्रश्न किए जा रहे हैं, सरकार जवाब दे रही है और कार्य भी अपने स्तर से अपने तरह से कर रही है। मीटिंग हो चुकी है संविदा कर्मचारियों के साथ क्या करना है ये सब निर्धारित कर लिया गया है, अब बस बात है तो उसको आदेश में तब्दील करने की, यानी कि आदेश आ जाए कि अन्वेषक शिक्षा मित्र आदि जो संविदा कर्मी हैं उनके साथ क्या करना है, उनको कैसे समायोजित करना है, उनके साथ क्या इंसाफ करना है, ये सरकार को ही करना है, जिसके लिए सरकार लगातार संघर्ष कर रही है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि कब और किस वक्त, इसका समय ईश्वर ही जानता है, हम सभी नहीं जानते हैं कि सरकार कब इस बात की घोषणा करेगी कि अन्वेषक शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर वो क्या फैसला लिए हैं और क्या उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने योजना तैयार की है।
अब तक की खास खबर में बस इतना ही। आप देख रहे थे अंदेशक न्यूज़। मिलते किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।